आखिर बख्तियार खिलजी ने क्यों नष्ट किया नालंदा यूनिवर्सिटी को? साल 1193 एडी में बख्तियार खिलजी ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर आक्रमण कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग इसे मारे गए और नालंदा में रखा बेशकीमती खजाना हमेशा के लिए नष्ट हो गया। क्या था ये अनमोल खजाना और खिलजी ने इसे क्यों नष्ट किया? और सबसे बड़ी बात, नालंदा पर आक्रमण ही क्यों किया जबकि इसमें ना तो कोई राजा था और ना ही इसमें कोई हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा हुआ कोई मंदिर का खजाना, बल्कि वो तो एक शिक्षा का केंद्र था जिसमें दुनिया के अलग अलग कोनों से स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए। तो आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी का उदय 5वीं शताब्दी में हुआ जिसे गुप्ता रूलर्स ने बनवाया था। ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है जो आज प्रेजेंट डे बिहार में स्थित है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा मींस अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, यानी कि एक न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। इसकी जानकारी हमें चाइनीज ट्रेवल ह्यून सांग एंड इत्सिंग की बुक से मिलता है। ह्यून सांग 7वीं सेंचुरी में नालंदा में आते हैं और इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त को देते हैं। ह्यून सांग ने बताया कि इसमें 10,000 स्टूडेंट और 1510 टीचर के आसपास यहां रहा करते थे, मतलब कि ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी मानी जाती है। नालंदा में चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों के स्टूडेंट पढ़ने आते थे। यहाँ बौद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, ड्रामा जैसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि उपनिषद और मनुस्मृति भी यहाँ रखी जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। यहाँ पढ़ने वाले हर्षवर्धन, वसुबंधन, धर्मपाल, नागार्जुन, पद्म संभव और ह्यून सांग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और ऐसा माना जाता है कि ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट भी यहाँ के हेड रह चुके हैं। ज्ञान का केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। दरअसल नालंदा पर एक नहीं, 3-3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद तो इसे रीबिल्ड कर दिया गया, परंतु तीसरा आक्रमण इसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम 455 से लेकर 457 एडी में हूणों ने किया था। दूसरा आक्रमण 7th सेंचुरी में बंगाल के गोदास डायनेस्टी के रूलर्स ने किया था। और तीसरा आक्रमण सबसे घातक आक्रमण था जिसे एक टर्किश मुस्लिम अटैकर ने, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, ने 1193 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी, क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। बहुत सारे वैद्य हकीमों से इलाज भी कराया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उनको सलाह दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र उनका इलाज कर सकते हैं, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी नॉन मुस्लिम से इलाज कराना मंजूर नहीं था। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसने सोचा कि एक बार उन्हें भी बुलाकर देखते हैं। राहुल श्रीभद्र उनकी जांच करते हैं, लेकिन यहाँ बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वो उनकी कोई भी दवा नहीं खाएगा। दरअसल वो राहुल श्रीभद्र को चैलेंज करना चाहते थे और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर राहुल श्रीभद्र ने कहा कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, और वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि कुछ पेजेस इसके डेली पढ़ने हैं। खिलजी ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसकी सेहत में सुधार होने लगा। पता है कैसे? दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी, और इस तरह से धीरे धीरे खिलजी पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन जब खिलजी को पता चला तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी फील होने लगी। उसको लगता है कि हिंदुओं के पास हमारे नीम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। बस इसी बात से गुस्सा होकर खिलजी इस ज्ञान के भंडार को नष्ट करने की सोचता है। और अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या था इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 90,00,000 बुक्स रखी गई थी। खिलजी ने यहाँ रह रहे हजारों स्टूडेंट को, स्कॉलर्स को बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद इस लाइब्रेरी में आग लगा। माना जाता है कि इसकी आग लगभग 3 महीने तक चलती रही। यहाँ पर ज्यादा बुक्स ओरिजिनल और हैंड रिटन थी जो कभी भी दोबारा रिकवर नहीं की जा सकती। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास को इतिहास दोहराता है,
तो जो खो चुका है उसको फिर से एक नए तरीके से पाया भी जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका पुनरुत्थान करके इसकी प्रसिद्धि को फिर से जीवित कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय एक नाम नहीं सम्मान है। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा।